मांगे नौ सूत्री मांग को लेकर के है। वैसे तो समस्या जो है हमारे नौ से ज़्यादा 19 भी है, जिसको जब 19 था तब सरकार ने हमको ये कहे थे कि हम आपकी सारी समस्याओं को दूर कर देंगे अगर हम सत्ता में आए। अब उसके बाद में आज भी हमारा ज्वलंत समस्याएं वही के वही हैं। सत्ताएं बदल गई, शासन बदल गया, लेकिन हमारी व्यवस्थाएं, हमारी मुद्दे जो है नहीं बदले, आज भी मुद्दे यथावत हैं। जिसके लिए 19 जून को हम लोगों ने कहा कि एक बार हम लोग अपना पत्राचार करते करते, फिर वहां से क्रमशः आंदोलन करते करते हम लोग 19 जुलाई को एक संवैधानिक मुद्दों पर ब्लॉक स्तरीय अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किए। वहाँ पे भी बात नहीं बनी, फिर सरकार के तरफ से कोई हमारे पास में कोई ऑफर नहीं आया ये बातचीत संवाद करने के लिए। तो हम लोग आज मजबूर होकर के आज आर्थिक नाकेबंदी जिनके उस पर कर रहे हैं, क्योंकि पूरे जिलों में हो रहा है, छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में, और सभी समाज के लोगों का एक समर्थन है, और इसमें सर्व आदिवासी समाज में जितनी जातियाँ हैं और सबके सब सभी जाति इसमें रिप्रेजेंट कर रही हैं। नौ सूत्री मांगों में से प्रमुख मांगे कौन? प्रमुख मांगे ये हैं कि हमारे एक सिलेगर में जो घटना हुई थी आप लोगों को याद होगा, उनको आज पर्यंत तक मतलब वो मुआवजा नहीं मिला जिनके वो हकदार हैं, क्योंकि निर्दोष ग्रामीण मारे गए थे वहाँ पर। हम लोग ये चाहते हैं कि 2.5 लाख की जो सीमा है छात्रवृत्ति के लिए, वो 2.5 लाख की सीमा को हटा दी जाए, क्योंकि आज 2.5 लाख अगर एक पिताजी को बोलेंगे कि अगर 5 एकड़ की ज़मीन भी होगी तो 2.5 लाख से कहीं ज़्यादा आमदनी हो जाती है, उनको आज स्टाइपेंड नहीं मिल पाता है, स्कॉलरशिप नहीं मिल पाने के कारण उनकी पढ़ाई वंचित हो रही है। यहाँ के लड़कियों को शादी करके गैर समाज में चले जाता है, तो उनको उसी समय लड़कियों के जो भी आदिवासी पत्रक है, जो भी उनके आदिवासी होने का प्रमाण है, उनको ख़त्म कर दो और उनकी ज़मीन जायदाद जो है वापस समाज को दिलवाई जाए, ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए हमारे लिए। आज आप लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, अगर धरना प्रदर्शन से आपकी मांगे नहीं पूरी होती है तो आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे ये होगा कि भाई सबका हाई कमान होता है, सबके पीछे एक ना एक ऊपर बैठे होते हैं, हम लोग भी वहाँ तक जाएंगे। सर आज जो हाईवे पे चक्का जाम किया गया था आदिवासी समाज के द्वारा, किन मुद्दों को लेकर चक्का जाम था और क्या इनकी मांगे? आज ये बसना के अम्बेडकर चौक में छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के द्वारा अपने 9 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन में चक्का जाम किया गया। अभी तक ये शांतिपूर्ण है और सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल भी हैं और सभी के सहयोग से शांतिपूर्ण ढंग से, और जो भी मैसेज है आदिवासी समाज का उसमें उच्च लेवल तक पहुँचा।